फायर को, दूसरा इस ट्रीटमेंट से हम फॉरेस्ट फायर को रोक रहे हैं कि हम थोड़ा सा आग से उस एरिया को बचा रहे हैं। अब सबसे मेन कारण तीसरा, हम हर साल प्लांटेशन करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, प्लांट होते नहीं है क्योंकि नमी ही नहीं रहती। और यहाँ पर अगर नमी है ना तो कोई भी अगर पेड़ अपने बीज फेंक रहा है तो फटेंगे और वो उगेंगे, और उगेंगे तो नए प्लांट होंगे। ठीक है, प्लांटेशन ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरल प्लांटेशन हो जाएगा, कुदरत खुद ही अपना प्लांट बना देगी। तीन चीज़ें हो गई। अब इसके साथ क्या करना है हमें कि हम जब प्लांटेशन करते हैं ना तो हम एक मिक्स फ्रूट लगा देंगे, हम अपने लिए तो लगाते ही हैं ना, आम अमरूद कुछ भी लगा लेते हैं, तो इस बार हमें क्या करना है कि जानवरों के लिए भी लगा देने हैं। जैसे बंदर हो गया, बंदर को फ्रूट्स पसंद होते हैं, अगर उसे फ्रूट प्लांट जंगल में ही लगा देंगे और बंदर को वहीं मिल जाएगा तो आएगा क्यों हमारे पास, जब वहाँ ख़त्म करेगा तभी तो आएगा ना। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि अपने जानवरों को जंगल में ही रोक सकते हैं और जंगल की जो ज़्यादा घना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन इसी का रीजन है। और यहाँ से आगे आपको एक नदी दिखेगी अभी, और कुछ ने देखा भी होगा लेकिन कुछ ने अभी नहीं देखा है। आज का दिन आपके पास यही है नदी।